Hey guys, welcome back to my channel, Rahul Trader 85. तो दोस्तों स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो गाइस, ये सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो है कि मेटियोर 350 में मैं एग्जॉस्ट लगा रहा हूँ और मेगाफोन। और आपने कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा कि मेटियोर 350 में मेगाफोन साइलेंसर लगा है कि नहीं लगा है। तो आज मैं मेगाफोन साइलेंसर लगाऊंगा, आप आई होप सो आपको अच्छा लगे। और साइलेंसर आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये मैंने साइलेंसर मंगाया था मेगाफोन, और एंड टिप मैंने इसकी क्रोम लगाई थी ताकि बाइक की एंड के साथ मैच करे। बाइक की टेल लाइट यहाँ पर भी क्रोम है और हेडलाइट में भी क्रोम है, तो थोड़ा मैच कर रहा है। और इसमें ना नट नहीं आया था, बाकी क्लैंप आया था और एक एक्स्ट्रा बुश आया था, मैं बुश आपको दिखा दूंगा। और ये नट भी मैंने लगाया और यहाँ पर भी, और मैं आपको बताऊँगा कैसे इंस्टॉल करते हैं साइलेंसर, आपको दिखाते हैं। आई होप सो आपको अच्छा लगे, पता नहीं कैसा लगे कैसा नहीं, आप मेरे को बताना। और आवाज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। अभी तो चलो आपको स्टॉक साउंड सुनाता हूँ। आई होप सो गाइस, ये स्टॉक साउंड तो आपने शायद सुनी है मेरी, ऑलमोस्ट वीडियो में मैंने स्टॉक साउंड सुनाई। तो गाइस ये स्टॉक साउंड थी अभी, और अभी हम लगाएंगे एग्जॉस्ट। ये ऐसे ही ये फ्री फ्लो होता है, आप देख ही सकते हो, एक सेकंड आप ये देख ही सकते हो, ये फ्री फ्लो होता है, एंड तक फ्री फ्लो है। बस एक सेरेमिक ग्लास वूल कह लो या सेरेमिक वूल, पता नहीं क्या होती है, वो लगी होती है ताकि उसकी वजह से बेस निकलता है, जो इसका आउटपुट है उसमें थोड़ा सा बेसपन आता है, मतलब थम्पीनेस कम हो जाती है और बेस ज़्यादा आता है। आपको मैं सुनाता हूँ, क्या पता आपको आवाज़ अच्छी लगे, बताना जरूर। बाहर की तरह हम सेम सेट ही यूज़ करें जैसे अभी मैंने बाइक खड़ी की है घर पे, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाके छोड़ करूँ तो मैक्सिमम बंदे देखते हैं कि कर क्या रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक साइलेंसर है और ये नट है, ये नट लूज़ करना है और इसके नीचे नट है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और ये अभी हम साइलेंसर उतारेंगे, फिर उसके बाद हम ये साइलेंसर लगाएंगे। साइलेंसर खोलने के सबसे पहले आपको 12 mm के स्पैनर चाहिए, क्योंकि उसी से नट खुलेंगे तो साइलेंसर आप ढीला रख सकते हो। नीचे वाला नट मैंने ऑलरेडी ढीला करके निकाल दिया है, स्टॉक साइलेंसर जो है इसका ये मैंने निकाल दिया है। तो गाइस अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बुश की नीड नहीं, क्योंकि तो गाइस मैं आपको प्रॉपर दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये नट को आपने खाली टाइट करना है, तो ये हिलेगा नहीं। जब आप नट को प्रॉपर टाइट करेंगे ये हिलेगा नहीं, आप कुछ बुश वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बुश नहीं लगाया, और ये डायरेक्ट फिट होगा, बुश लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अभी पहले आपको मैं फिट पहले प्रॉपर यहाँ से फिट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको गाइस मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम क्या आती है, कि आपने साइलेंसर को थोड़ा हाइट में करना है, तो साइलेंसर को हाइट करने मतलब ऐसे अगर आप नीचे वाले फोर पे आप जो इसका अपना होल है आप उस पर रखोगे तो साइलेंसर नीचे हो जाएगा। जब साइलेंसर नीचे होगा अपने स्टॉक वाले उसमें पोजीशन में होगा तब साइलेंसर नीचे होगा, जब साइलेंसर नीचे होगा तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा भी लीन करोगे तो नीचे साइलेंसर टच होगा। मेरा 2 बार मैंने सर मेरा नीचे टच हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने खाली ये रबड़ निकाले हैं इसी के, बट आपने निकाल दी, मैंने निकाल दी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक हाथ से वैसे काम करना तो वैसे मुश्किल है, मैं साइड में करके आपको, एक सेकंड साइड में मैं फोन रखता हूँ। देख रहे हो ये इसका स्टॉक, जहाँ पर स्टॉक साइलेंसर लगा था और वहाँ से मैंने ये रबड़ वगैरह निकाले। तो आपने इसको फिट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसके ऊपर वाले पॉइंट पर निकाले, अगर आप ये ड्रैग बिना इसके लगाओगे ठीक है नट तो घुस जाएगा, तो आपका वो होगा ना ये इसकी साइलेंसर की पत्ती तो वो टेढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये बुश लगा लेना ताकि हमारी जो इसकी साइलेंसर की पत्ती वो भी टेढ़ी ना हो, ये ऐसे फिट हो जाएगा प्रॉपर, देख सकते हो आप गाइस जब फिट हो जाएगा उसके बाद आप ये। तो गाइस आप देख सकते हो ये साइलेंसर हमारा फिट हो चुका है। ये हमने नट बोल्ट टाइट, तो गाइस ये अभी साइलेंसर पूरा टाइट हो चुका है, अभी हिलेगा नहीं। मैं आपको आवाज़ फिर भी सुना देता हूँ फिर से, तो गाइस साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ चुका है आपको, मैं आपको सिनेमेटिक्स दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, और सिनेमेटिक्स सुनाते हैं, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना क्योंकि मैं वहाँ पर भी रील डाल रहा हूँ, और अच्छे से शेयर करना कि ये वीडियो सारों के पास पहुँचे। और बात रही इलीगल और लीगल, देखो गाइज आप इसको रेस नहीं दोगे
तो ये आवाज़ बड़ी नॉर्मल निकालेगा, ज़्यादा तेज़ नहीं निकालेगा, और चलान से बचोगे नहीं बचोगे वो आपके ऊपर है। कुछ एरियाज में ज़्यादा चलान का वो होता है अब, तो इसकी साउंड भी थोड़ी नॉर्मल है क्योंकि कंपनी ने क्लासिक में ये सीधी पाइप दी है, ठीक है, और मेटियोर में मुड़ के जा रही पाइप और घूम के वहाँ आ रही है, वहाँ ऑलरेडी आवाज़ दब जाती है तो आवाज़ ज़्यादा निकलती नहीं है, नॉर्मल आवाज़ रहती है और थोड़ी अच्छी आवाज़ भी आती है। और बात रही ये एक थोड़ा ना क्रैकल साउंड करती है, मतलब बैक फायर छोड़ती है, मतलब आपको फ्लेम नहीं दिखेगा बट क्रैकलिंग आवाज़ आती है जो आप रेस छोड़ते हैं गियर शिफ्ट करते हो तो क्रैकलिंग साउंड आती है। और हो सके तो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, आपको दिखा दूँगा और आप मिलते सिनेमैटिक्स। तो गाइस मैं अभी अपनी फेवरेट जगह में जहाँ मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, आपको पता ही है मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसी जगह पे आता हूँ आपको पता ही है। तो अब इसके आप शॉर्ट्स देखो, आई होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ इस वीडियो में बताना कि आपको साइलेंसर की आवाज़ अच्छी लगी नहीं लगी। और बात रही इलीगल, मैंने आपको बता दी है इलीगल तो है ये, तो मैंने भी एक रील्स डाली जाके आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर मेंशन करो और डिस्क्रिप्शन में लिंक डालो और आप जाके देख सकते हो। और मुझे बताना कि एक गॉस कैसा लगा, प्लीज़ ऐसी वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो और अच्छे से अच्छे व्यूज़ लाओ, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना कि आवाज़ आपको अच्छी लगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलती है आपको अच्छी सी कोई नेक्स्ट वीडियो में।